खबरों की नई पहचान। धनबाद के जोरा पोखर पहला नंबर इमामबाड़े पर मोहर्रम त्यौहार को लेकर धूमधाम से इमाम हसन हुसैन का पेक बनकर घोड़ा बनकर या अली हुसैन के नारे से हसन हुसैन को याद किया गया। इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से मुस्लिम समुदाय का सबसे महान पर्व और नए वर्ष का यह त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार में लोग रोजे रखते हैं और इस त्यौहार को गम के रूप में मनाते हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय का यह पहला महीना है और इस त्यौहार को इमाम हसन हुसैन की याद में मनाया जाता है। इसको ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत मतबर्रक महीना है और इस्लाम का पहला महीना है और ये जो महीना है ये इमाम आले मुकाम याद हुसैन का महीना है। गमे हुसैन नहीं, हम याद हुसैन मनाते हैं। हम याद हुसैन मनाते हैं और ये एक संदेश का महीना, एक शांति का प्रतीक है इस्लाम के अंदर कि हम जो है इमाम आले मुकाम के बताए हुए रास्ते पर, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे, इमाम आले मकाम को उनके अनुयायी करेंगे तो निश्चित तौर पर है कि हम कामयाबी आता है। क्या क्या तैयारियां करते हैं और किस रूप से इसको बेहतर तरीके से आप लोग मनाते हैं? इसमें सबसे बड़ी तैयारियां है ये है कि हम लोग कुरान खानी करते हैं, मिलाद खानी करते हैं, हम लोग रोज़ा रखते हैं 10 दिन तक, कम से कम 7 तारीख से तो रोज़ा आदमी रखता है, 9 तारीख से तो पक्का रखना है रोज़ा, 9-10 जो है रोज़ा एकदम ज़रूरी है। और चूँकि इसमें ज़्यादातर फाका हम लोग करते हैं, अगर 3 टाइम में 1 टाइम खाए मतलब महसूस करते हैं, इमाम का सदका बांटते हैं और हम लोग सदका खाने वाले हैं, हम लोग तो इमाम का सदका खाते हैं, हम तो इमाम आले मकाम का सदका खाते हैं, मौला अली का सदका खाते हैं।